हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पार्क जीके। ये है पाठ योजना 8 और विषय है सामाजिक अध्ययन, प्रकरण संचार के साधन। इस साइड आएगा दिनांक कक्षा और इस साइड आएगा कालांश अवधि। सामान्य उद्देश्य पूर्वत रहेंगे, विशिष्ट उद्देश्य 3 होंगे, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक। शिक्षण सामग्री 2 होंगी, कक्षा उपयोगी सामग्री, सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्राएं संचार के साधन के विषय में पूर्व ज्ञान रखती हैं। शिक्षण बिंदु है प्रस्तावना। यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न पूछेगी छात्रदेव का छात्राओं से, जो 5 होंगे। जो हमारे समस्यात्मक प्रश्न है, मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीविजन आदि क्या कहलाते हैं, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ये प्रश्न है, देख लीजिए, और इसके उत्तर। उद्देश्य कथन, आज हम संचार के साधन के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रकरण परिचय ऐसे आएगा। जो पहले विकासात्मक प्रश्न है वो देख लीजिए, आप क्या देख रहे हैं, कंप्यूटर दिखाते हुए, ठीक है, चार्ट में कंप्यूटर चार्ट दिखाते हुए। ये आप क्या देख रहे हैं, ये हम कंप्यूटर देख रहे हैं, कंप्यूटर का चित्र बना देंगे। फिर ऐसे अखबार दिखाते हुए, जो हमारा समस्यात्मक प्रश्न होगा, संचार के साधनों से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर छात्र अध्यापक संचार के साधनों के विषय में बताएगी। जो अगले विकासात्मक प्रश्न है वो ये है, पत्र दिखाते हुए 5 प्रश्न पूछ लेंगे। ये प्रश्न है और इसके उत्तर देख लीजिए। समस्यात्मक प्रश्न होगा हमारा, पत्र के विषय में आप क्या क्या जानते हैं। शिक्षण बिंदु होगा पत्र, शिक्षण उद्देश्य नवीन ज्ञान में वृद्धि, छात्र अध्यापक का कथन आएगा, इसमें हम पत्र के बारे में बताएंगे, ठीक है। ये श्याम पर सार आ जाएगा, पत्र संचार का प्राचीन साधन है, और मूल्यांकन प्रश्न, पत्र पर क्या लगाया जाता है। जो हमारा अगला विकासात्मक प्रश्न है वो ये है और ये उसके उत्तर हैं। टेलीविजन की फोटो बना देंगे, चित्र बना देंगे सहायक सामग्री में। छात्र अध्यापक का कथन आएगा, फिर ये छात्र अध्यापक का कथन है और ये श्याम पट है, एक मूल्यांकन प्रश्न पूछ लेंगे। फिर आते हैं अगले विकासात्मक प्रश्नों पर। ये अगले विकासात्मक प्रश्न है, समस्यात्मक प्रश्न होगा, मोबाइल के क्या क्या लाभ हैं। ये प्रश्न है और इसके उत्तर देख लीजिए। ये मोबाइल का चित्र बना दिया है। फिर छात्र अध्यापक का कथन आएगा और इसमें मोबाइल के विषय में हम बताएंगे, मोबाइल के क्या क्या लाभ हैं। ये अगला शिक्षण बिंदु है लिखित व निरक्षरकार। शिक्षण उद्देश्य लोकन कौशल का विकास, श्याम प्रसार आ जाएगा यहाँ पे। ये श्याम प्रसार है, ये श्याम प्रसार है। फिर जो हमारा अगला शिक्षण बिंदु है, मूल्यांकन, अर्जित ज्ञान का स्थायीकरण। यहाँ पर छात्र अध्यापक का 4 मूल्यांकन प्रश्न पूछेगी। ये प्रश्न है मूल्यांकन प्रश्न और ये प्रश्नों के उत्तर हैं। फिर जो हमारा लास्ट शिक्षण बिंदु होता है वो होता है गृहकार। शिक्षण उद्देश्य होता है स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास। गृहकार में छात्र अध्यापक छात्राओं को गृहकार करने को देगी, ठीक है। अगले दिन छात्र अध्यापक गृहकार देकर मूल्यांकन करेगी।